हेलो, गुड आफ्टरनून। तो यार, काम ख़त्म होने के बाद बैठ बैठ के बोर सा लग रहा था, सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लूँ आप लोगों के लिए। काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे करीबन 10 मिनट से बैठा हुआ हूँ, तो अजीब सा लग रहा है। एक दोस्त ने फ़ोन किया तो बोला कहाँ पे तू, तो मैंने बोला मैं भी पूर्णिया में हूँ। तो उसने बोला चल लंच एक ही साथ कर लेते हैं, तो जा रहा हूँ उसके पास अभी। आप वेदर देखिए। जो है ना, कुछ आता पता नहीं है। टिंग से लेके टोंग, डिंग से लेके डोंग, बदली होते रहते हैं। कभी धूप तो कभी बारिश। वैसे मजे है, जून में ऐसा वेदर कहाँ मिलेगा। हर जगह धूप ही धूप रहता है, तो यहाँ पे फोगो वाली फीलिंग ले रहे हैं हम लोग। अभी चलते, वो बोल रहा था जेल कॉलोनी में है तो लंच एक साथ करेगा बोल रहा है, जाके देखते। जल्दी पहुंचना पड़ेगा या बारिश आ जाने से फिर मुश्किल हो जाएगा। सुबह से मेरा दिन ही ख़राब चल रहा है। रूम से निकलते वक्त बारिश, बीच में बारिश, और अब अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए चलते, पहुंचने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। बाय बाय, टेक केयर। तो बस पहुंचने वाला हूँ अभी। खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ फॉग वाला। इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है, और डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। तो मिलते हैं लंच के बाद, इसके बाद देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं आज के लिए। सी यू। तो अभी लंच का ऑर्डर दे दिया हम लोगों ने, देखते हैं कैसा बनता है यहाँ का नूडल्स और जूस, टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा कुईमा का पहला ब्लॉग, जो कि बहुत ही छोटा सा था, लेकिन आई होप यू एंजॉयड इट। ऐसा और बहुत सारा वीडियो मैं लाता रहूँगा। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, सो जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए, नए नए वीडियो बनाने के लिए, सो थोड़ा आप लोग भी मदद कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार सब्सक्राइबर तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसी के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। जल्दी से जाके उस लाल बटन को क्लिक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए कोहिमा और बहुत सारे प्लेसेस घूमने के लिए घर बैठे हुए। तो थोड़ा बहुत हिंदी में मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। बाई चांस अगर कुछ मुँह से उल्टा सीधा निकल गया तो माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरा बिहार वाला ब्लॉग जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा, बहुत ही अच्छा होगा बिहार वाला ब्लॉग। तो आप लोगों का प्यार चाहिए होगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।